और सीओपीडी मरीजों की जान पर बन आई है, लेकिन चिकित्सक की सलाह मानकर न सिर्फ कोरोना को सीवियर और मौत का कारण बनने से रोका जा सकता है बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की कमी होने लगी, लेकिन एकाएक आंकड़े कम होने लगे तो लोग राहत की सांस लेते। इससे पहले ही कोरोना का कहर दोबारा लौट कर आया, और वो भी ऐसा कि आईसीयू वार्ड ओपीडी में काम करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। ये भी आपकी चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकता है, मुश्किल में बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से सीओपीडी की प्रॉब्लम है वो लोग मास्क लगाएं, एंड मैं आपको ये बता रहा हूं कि मास्क एक बहुत ही कारगर तरीका है अपने आप को कोरोना से वायरस और कोरोना के अलावा अन्य तरह के जो पॉल्यूशन वगैरह है या बैड एयर है उससे आपको बचाने का एक अच्छा तरीका है। चिकित्सकों की माने तो कोरोना लंग्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ऐसे में अस्थमा और सीओपीडी समेत फेफड़ों की किसी भी बीमारी से ग्रसित मरीज कोरोना के चलते आईसीयू और वेंटिलेटर पर सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। आईसीयू में उन्हें देख रहे चिकित्सकों की माने तो ये कैटेगरी हाई रिस्क कैटेगरी में है। ऐसे मरीजों को इनहेलर किसी भी सूरत में बंद नहीं करना चाहिए, धुआं धूल और पॉल्यूशन से हर हाल में खुद को बचा कर रखें, साथ ही मास्क उनके लिए जीवन दान है। इन मरीजों को अपनी दवाएं भी बंद नहीं करनी चाहिए। आप अपनी दिवाली घर पे अच्छे से मनाएं और दीप जलाएं, रोशनी करें, लेकिन साथ में धुएं धूल और ये जो पॉल्यूशन है इसका ध्यान रखें। अगेन ये भी आपकी चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकता है, मुश्किल में बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से सीओपीडी की प्रॉब्लम है वो लोग मास्क लगाएं। चिकित्सक के पास नहीं जा सकते तो फोन पर ही कंसल्ट करें और फॉलोअप में कोताही नहीं बरतें। इससे सीओपीडी अस्थमा के इन मरीजों के स्वास्थ्य में दवा से हो रहे फायदे या नुकसान का आकलन चिकित्सक कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना चिकित्सकों के लिए भी नया होने से परेशानी बढ़ी हुई है। जन टीवी के लिए जयपुर से सुदर्शन सिंह की रिपोर्ट। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।